हेलो दोस्तों, आईटीआई भारत स्किल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिल्डर पेपर आल शिफ्ट का ये पेपर लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जिन जिन लोगों का कल पेपर है वो लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन आते हैं, कहीं से नहीं आते। नीमी के पैटर्न के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं अभी तक सारे बच्चों ने बताया कि नीमी पैटर्न आ रहा है, सर ने बोला है उन्होंने सर मेरे से, ठीक है। तो इससे कुछ भी बात नहीं आ रहा आपको। अगर और ज़्यादा अच्छा पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैराथन की क्लासें मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो बढ़िया, ठीक है। पूरा रिवाइज लगा सकते हो, वहाँ पे चैप्टर वाइज का पूरा दिया हुआ है, वहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो आप, ठीक है। और परसेंट आपको अच्छे बनाने, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इतना जितना ज़्यादा हो जितने क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँ आप सब पढ़ा करो, और ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। हेक्साब्लेड में 1.00 मिमी पिच के साथ किस प्रकार का ब्लेड सेट उपलब्ध होता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो कमेंट सभी लोग करा करो, जितने लोग वीडियो पर हैं सभी लोग कमेंट किया करो, गलत हो चाहे सही हो सभी लोग कमेंट किया, और लास्ट में आप मिलाया करो हमने कितने सही करे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा हमारा रिजल्ट लास्ट में क्या आएगा, इसलिए ठीक है। अगर आप ज़्यादा ज़्यादा गलती करते हो तो दोबारा वीडियो लगाया करो, फिर से आप रिवाइज करा करो। तो इन चारों में तुम्हारा जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा डी नंबर, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी लोगों ने, वेव कंपिस सेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। समतल सतह पर अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए किस कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या आएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत शानदार। एक बार सभी लोग जोरदार लाइक कर दिए, जितने भी लोग हैं सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो आप इसका आपका भी फर्ज बनता है, इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने, इसका आंसर दिया है बी नंबर, ए नंबर, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बी नंबर जिन जिन लोगों ने लिया उसको सही कर लेना, ठीक है। तो क्या जाएगा ए नंबर, फ्लैट चीजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यदि कोई व्यक्ति अभी भी विद्युत परिवर्तित आपूर्ति विद्युत आपूर्ति के संपर्क में है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या आएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बड़े आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, जितने भी लोगों ने इसका आंसर दिया सभी ने इसका ए नंबर आंसर लगाया है, तो इसका ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? हाथ से संपर्क तोड़ें, क्या हाथ से संपर्क तोड़ें, नहीं सॉरी सॉरी ये नहीं आया, गलत बता दिया आपको, इसका आएगा सूखी लकड़ी से संपर्क तोड़ें। क्या आएगा इसका? सूखी लकड़ी से संपर्क तोड़ें, इसका बी नंबर आएगा, ठीक है। ए नहीं आएगा, बी नंबर, सूखी लकड़ी से संपर्क तोड़ें, ठीक है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। स्टील के अंडर वाटर गैस कटिंग के लिए कौन सी गैस लो संयोजन बेहतर है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या आएगा फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत बड़े आंसर लगा रहे हैं सभी लोग, इसका आंसर बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं सभी, जिन लोगों ने गलत दिया वो सही कर लेना, इसका ए नंबर आएगा। क्या आएगा? ए नंबर, ठीक है। तो ए नंबर आएगा इसका ऑक्सीकोल गैस, ऑक्सीकोल गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एसिटिलीन गैस शोधक के निचले डिब्बे में कौन सी सामग्री संग्रहित रहती है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या आएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बड़े आंसर लगा रहे हैं, जितने लोगों ने इसका आंसर दिया सभी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है सी नंबर, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। प्यूमिस स्टोन, प्यूमिस स्टोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फ्यूजन जोन क्या है? फ्यूजन जोन क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या आएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो सभी लोग बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं, जितने लोगों ने भी इसका आंसर दिया सभी ने दिया डी नंबर, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों। क्या हो जाएगा? संयुक्त की सतह, संयुक्त की सतह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आसान बेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है? तो इन चारों में से राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर सभी लोग, इसका बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं इसका, जितने लोगों ने भी इसका आंसर दिया ए नंबर, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या होगा? समतल, समतल इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यदि एक ही लेवल में दो मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो जॉइंट का नाम क्या है? तो इन चारों में तुम्हारा राइट आंसर क्या आएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए।
बहुत बड़े आंसर दगा रहे हैं सभी लोग, बहुत शानदार इसका आंसर दिया सभी ने, इसका सी नंबर इसका आंसर दिया। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, क्या सी नंबर बट जॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या आएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बढ़िया आंसर लगाया सभी लोगों ने, इसका आंसर दिया सभी, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी ने इसका सी नंबर इसका आंसर दिया। सी नंबर इसका आ जाएगा 3G इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 3G। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी आग से सहायता नहीं करती, मतलब आग में सहायता नहीं करती। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या आएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बड़े आंसर दे रहे हैं, जितने लोगों ने इसका आंसर दिया सभी ने दिया इसका डी नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा नाइट्रोजन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग में दिखाए गए बिल्डिंग में लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, जितने लोग भी हैं सभी ने इसका आंसर दिया सी नंबर। तो सी नंबर ही इसका राइट आंसर आएगा, जितने भी लोगों ने दिया सी नंबर, तो सी नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम पेनिट्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ए प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड जॉइंट का नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है ए प्रतीक दिखाने वाले का फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया सभी लोग इसका वो शानदार आंसर दे रहे हैं, सभी ने इसका आंसर दिया बी नंबर, स्क्वायर बट बेल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, जितने लोगों ने इसका आंसर गलत दिया वो सही कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रतीक प्रकार का नाम क्या है? संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है फटाफट बताइए। इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हैं सभी लोग इसका ए नंबर, सभी ने इसका ए नंबर राइट आंसर लगाया। इसका मतलब सभी लोग, जितने लोगों ने लगाया सभी ने इसका ए ही लगाया है। अवतल फिलेट क्या आ जाएगा? अवतल फिलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दिए गए चित्र में आपको क्या दोष लगता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या आएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग इसका वो शानदार आंसर दे रहे हैं, जितने लोगों ने इसका आंसर दिया ए नंबर, तो ए नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा ए नंबर। आर्क का झटका क्या आ जाएगा? आर्क का झटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चित्र में दिखाए गए वेल्ड जॉइंट में दोष क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या आएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बड़े आंसर लगा रहे हैं जितने लोग हैं सबने इसका आंसर दिया डी नंबर, तो डी नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉइंट में दोष क्या है डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेनिट्रेशन की कमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आकृति में दिखाई गई ज्वाला का क्या नाम है? तो इन चारों में से बताइए फटाफट क्या आंसर आएगा इसका। बहुत बड़े आंसर लगा रहे हैं सभी लोग इसका ए नंबर, तो सभी ने इसका ए नंबर राइट आंसर लगाया है। तो ए नंबर जितने ने लगाया तो ए नंबर ही इसका राइट आंसर भी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ए नंबर। तट
स्थल लो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। EB5EB5426H1JX के इलेक्ट्रोड वर्गीकरण में एक्स अक्षर क्या दर्शाता है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या आएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बड़े आंसर लगा रहे हैं, जितने लोगों ने इसका आंसर लगाया वो लगाया है क्या, डी नंबर। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर। रेडियोग्राफिक गुणवत्ता इलेक्ट्रोड, क्या आएगा, रेडियोग्राफिक गुणवत्ता इलेक्ट्रोड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दी गई आकृति में बिल्डिंग दोष किस प्रकार दिखाया गया है, तो किस प्रकार दिखाया गया, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में हमें। बहुत बड़े आंसर लगा रहे हैं सभी लोग, इसका बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं जितने भी जुड़े हुए हैं, इसका सभी ने आंसर दिया है ए नंबर। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए नंबर, क्रेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किस प्रकार का विरूपण दिखाया गया है, तो किस प्रकार का विरूपण दिखाया गया, फटाफट बताइए इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हैं सभी लोग, इसका आंसर दे रहे हैं। बी नंबर आंसर लगाया सभी ने इसका, तो बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, लंबाई विरूपण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्लेटों की एक बेल्ट सेटिंग पर मध्यवर्ती टैक्स का उपयोग क्या है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या आएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बड़े आंसर लगा रहे हैं सभी लोगों ने, जितने भी लोग हैं सभी ने इसका आंसर दिया डी नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संरेखित और जॉइंट की स्थिति बनाए रखने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आल शिफ्ट का पेपर था जो मैंने आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया है, अब आपका फ़र्ज बनता है इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो क्वेश्चन यही आएंगे आपके, कहीं से बाहर नहीं आ रहे हैं, बस ऊपर नीचे इनको लगा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा आपसे यही सुझाव है, आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आप पेपर दीजिए, पेपर देने जाएं घबराएं नहीं, पूरा पहले क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद आंसर का इसका आंसर लगाएं, ठीक है। तो आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप खुद देख सकते हो, जब आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुपों में इसको सेंड करें, ठीक है। और जितने भी लोग इस वीडियो पे जुड़े हुए हैं सभी लोग जाते जाते जितने भी हैं सभी लोग इसको ज़ोरदार से एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, सभी लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। देखो इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई कुछ नहीं लग रहा आपको, मैं फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ किसके लिए, आप लोगों के लिए, आपके कहने पर। तो आपका फ़र्ज बनता है तो इस चीज़ का। और जितने भी नए बच्चे हैं सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे अपने चैनल पर जितनी भी सरकारी वैकेंसी आई उसकी भी अपन वीडियो बना के आप तक पहुँचाते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।